देखिए, मैं अभी तक, अभी जो वैसे कहने को छोटी फिल्में होती है, वो 7 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, उसमें से 4-5 में डबिंग भी हो गई है। एक फिल्म का कुछ एक दिन का काम बाकी है और डबिंग बाकी है। अभी छोटी फिल्में हैं तो रिलीज़ कभी होगी पता नहीं है, लेकिन मेरे कैरेक्टर अच्छे हैं, फिल्में अच्छी है, देखते हैं कभी रिलीज़ होती है। आगे मैं रईस कर रहा हूँ राहुल दौलखिया के साथ, शाहरुख खान है इसमें, और एक संजय गुप्ता की फिल्म कर रहा हूँ। क्या रोल के बारे में बता सकते किसी और? रोल तो मैं सकल ऐसी है तो विलन के ही रोल मिलेंगे मेरे को, और तो कोई रोल मिलते नहीं। अच्छा, रईस की, रईस की बात करें तो कैसे आपको मिली स्टोरी, कैसे मिली, किस तरह से जुड़े उसके बारे में बताएं? रईस के लिए मैं, या जो राहुल दौलखिया दोस्त है मेरा, और मैं चाहता था कि शाहरुख खान के साथ भी काम करूं, इसलिए मैं उनको अप्रोच किया था और उन्होंने बोला करते हैं अपन साथ में। सर, रईस का पोस्टर देखा मैं, काफ़ी सीरियस लग रहा है, तो आपने इसलिए कोई खास तैयारी किया इस फिल्म के लिए, कोई प्रिपरेशन किया? या तैयारी क्या होती है, जब भी कैरेक्टर सुना जाएगा तभी तैयारी करेंगे, अभी तैयारी करके क्या करेंगे। सर, आप फिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं और एक्टर भी है, तो आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है, एक्टिंग करना है, डायरेक्शन करना, फिल्म को डायरेक्ट करना? देखो, मुश्किल, हर काम मुश्किल है, लेकिन आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जल्दी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो एक्टिंग में तो संभाल सकते हैं डिस्टर्ब होने के बाद भी, डायरेक्ट करने में नहीं संभाल सकते। तो मेरे हिसाब से ना मेरे को डायरेक्ट करनी चाहिए फिल्में, और हाँ, मैं तभी डायरेक्ट कर सकता हूँ जब मेरे को पूरी की पूरी टीम एक सही मिले और अच्छी तरह काम करे लोग, फैमिली बन के अच्छे इन्वॉल्व होके, तो मैं अच्छी फिल्म बना सकता हूँ। लेकिन आज की तारीख में सबके सब अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है। सर, हमने आपको हमेशा सीरियस रोल में देखा है, तो आपको मतलब क्या पसंद है, सीरियस रोल करना पसंद है, कॉमेडी रोल करना पसंद है, किस तरह का रोल करना आपको पसंद है, कोई ड्रीम रोल आपका जो रहना चाहिए? ड्रीम रोल अच्छा कैरेक्टर, यानी ऑलवेज ड्रीम कैरेक्टर ही होता है। वैसे मैं एक फिल्म की है मैंने अभी उसका भी एक दिन या दो दिन का काम बाकी है, वो है रॉबिन हुड के पोते। उसमें कर रहा हूँ विलन का काम, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है उसमें, तो वो काम करने को ज़्यादा मज़ा आया, जो भी जाना मैं जो कर रहा हूँ उससे हटके कर रहा हूँ, तो अच्छा है वो। सर, आपके फिल्मी सफ़र की बात करें तो कहाँ से शुरुआत किया, मुंबई तक के सफ़र के बारे में बताइए? मुंबई का सफ़र, मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मेरे फादर की उनका बर्थ भी यहीं हुआ था, तो हम है मुंबई से ही बेसिकली। और फिल्म लाइन में मैं आया 1985 में, और मैं आया बिकॉज ऑफ मिठुन चक्रवर्ती, और उसके साथ मैंने पहली फिल्म बनाई इलाका, मिठुन, संजू, धर्मेंद्र ये लोग के साथ, तो वहाँ से मेरा फिल्मी करियर चालू हुआ एज ए प्रोड्यूसर। 5 फिल्में बनाने के बाद मैंने 3 फिल्में डायरेक्ट की, 2 फ्लॉप हुई, 1 चली। उसके बाद फिर 2 फिल्में बनाई जो प्रोड्यूस की मैंने, टोटल 10 फिल्म बना चुका हूँ मैं। कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया मैंने, कई लोगों को, या क्या उनके नाम जानना चाहेंगे? नाम बोल के फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिनको इंट्रोड्यूस करते हो उससे मिस, यानी जो ये करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में, उसमें से किसी को आप या म्यूज़िक डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो, या हीरो इंट्रोड्यूस करते हो, या हीरोइन इंट्रोड्यूस करते हो, या डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो, चलने के बाद कोई किसी का नहीं रहता, या तो ये तो मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में इंट्रोड्यूस करना एक सबसे बड़ा गुनाह है, या क्योंकि आज सगा बाप भी बेटे के लिए फिल्म नहीं बनाता, या और बनानी भी नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं बनानी चाहिए, चलता है जो हमसे हो गया हो गया। लेकिन 10 फिल्में बनाई हैं, 10 नेगेटिव है मेरे पास, और राम गोपाल वर्मा, रामू, उसने मेरे को एक्टर बनाया। मैं कभी एक्टर बनने नहीं आया था इधर लाइन में, ना कभी सोचा भी था मैंने एक्टर बनना, लेकिन सत्या पहली फिल्म थी जहाँ से मैं एक्टर बना, और आज 10 फिल्में बनाने के बाद शायद उतने लोग नहीं जानते, कुछ जानते होंगे नाम से, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद लोग जानते हैं। या
जैसे सत्या है, सरकार है, रामू की फिल्म, रामू की मैं 7 फिल्में की और सत्या और सरकार उसमें अच्छा था, एक डीप थी उनकी फिल्म, उनसे जानते हैं। फिर बोनी कपूर की फिल्म की मैंने सलमान खान के साथ वांटेड, उससे लोग जानने लगे। संजय गुप्ता की मैंने शूट आउट एट वडाला, उसकी वजह से जानते हैं। तो अभी रास्ते में भी लोग पहचानते हैं, ये सफर चल रहा है अभी तक। सर थिएटर की बात करें तो थिएटर एक्टिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, तो आपने भी थिएटर किया, थिएटर से शुरुआत किया कुछ, मतलब थिएटर के बारे में? सर मैं बोलूँ एक चीज़, ये थिएटर या एक्टिंग स्कूल ये सब मैं बिलीव नहीं करता इसको। या आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है थिएटर की वजह से, एक्टिंग स्कूल की वजह से, लेकिन एक्टर अपने आप में आता है, वो कोई सिखाने से कोई एक्टर नहीं बन जाता, वरना बड़े बड़े स्टार की औलाद भी बड़े स्टार ही होती है। या तो वो अंदर से आता है, लेकिन जो थिएटर करते हैं और जो थिएटर अच्छी तरह करते हैं, यानी कई लोग हैं थिएटर करते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो थिएटर करने में माहिर है, वो लोग के लिए परफॉर्मेंस कैमरा के सामने ज़्यादा इजी हो जाता है। वो फ़र्क है, बाकी एक्टिंग स्कूल ये वो सब, और मैं वैसे मैं बिलीव नहीं करता। सर फैमिली सपोर्ट की बात करें तो कभी आपके घर से प्रेशर आया कि क्या फिल्म लाइन में जा रहे हो, दूसरा कुछ काम करो, ऐसा कुछ? फिल्म लाइन में जाना, फैमिली से प्रेशर आना, मेरे फैमिली में मालूम पड़ा जब भी मैं फिल्म लाइन में गया, मेरे जाने के बाद मालूम पड़ा था, तो प्रेशर क्या आएगा, मैं घुस चुका था उसमें। या तो पिताजी को तो मैं जब भी मुहूर्त हुआ वो दिन बोला मैं कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, आ जाना है आपको। सबसे ज़्यादा किसका, मम्मी से सपोर्ट था कि डैडी से, कुछ कोई हेल्प किया आपको मतलब फिल्म में? सपोर्ट यानी मेरे को अपोज नहीं किया उन्होंने कभी। या और क्या, फिल्म लाइन में जाने के बाद सक्सेस भी मिलते गई तो टेंशन नहीं हुआ, वरना बेसिकली हम तो बिजनेस फैमिली से हैं, हमारे केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, अभी नहीं है, थी तभी। या वहाँ कमाना कन्फर्म है कि हम 100 किलो माल बनाएंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, यहाँ मालूम नहीं पैसे कितने मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, तो ये रिस्की धंधा है। उधर रुपया मिलता है या अठाना मिलता है या 100 रुपया मिलता है, मिलता पक्का है। या तो वो धंधा बेटर है। या तो हम आ गए इधर कर रहे हैं अभी, अभी तो मेरे फादर मदर कोई नहीं है। सर जो न्यू कमर बॉलीवुड में एंट्री माना जाता है, उनको लगता है कि बॉलीवुड में काफ़ी पैसे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है उसके बारे में बताना चाहेंगे, कैमरे के पीछे लोग आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को कितना मेहनत करना पड़ता है? सर यही बोलता हूँ ना मैं, नए लोग नहीं, किसी को भी, कोई भी यहाँ फिल्म लाइन में आते हैं सबको लगता है कि यार यानी आजकल तो खोखो में करोड़ों में कमाई है। या आपकी मेहनत क्या देती है, आप क्या मेहनत करते हो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। या और वो सिंसियरिटी कितनी है, ज़्यादातर लोग सिंसियर नहीं है इधर। या और एक फिल्म में अगर चूना लग गया तो अपने आप को स्टार समझने लगते हैं, और बाद में गुम भी हो जाते हैं 2-4 फिल्में करने के बाद, और जो चल जाते हैं उनकी खुदाई आती है तो वो गुम हो जाते हैं। तो ये तो साइकिल है, सिस्टम है, चलते रहते हैं। लेकिन हाँ ये इंडस्ट्री, मैं 2001 में भी बोला था कि ये इंडस्ट्री हर किसी को उनकी औकात से ज़्यादा देती है, जैसे मेरी औकात जो है उससे मेरे को ज़्यादा मिला है। बाकी लोग के नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो कटिंग होके कुछ बुराई हो जाती है, मेरी हुई थी बुराई, लेकिन सबसे बड़े आदमी से लेके मैं अपने आप को सबसे छोटा आदमी समझता हूँ, हर किसी को अपने औकात से ज़्यादा मिला है। तो उसके लिए आपको उतना काम भी करना पड़ेगा, उतनी सिंसियरिटी भी रखनी पड़ेगी, या ईमानदारी बहुत ज़रूरी है हर काम में, बहुत कम नज़र आती है। सर जैसे आपने कहा कि रईस को नजर आ रहा है, तो क्या एक्साइटेड है शाहरुख के साथ काम करने? यार 100% शाहरुख खान है, मैं सलमान के साथ काम कर चुका हूँ, अमित जी के साथ काम कर चुका हूँ, अजय देवगन के साथ काम किया हूँ मैं, और शाहरुख खान के साथ काम करूँगा। बस देखिए मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, या
अभी अभी मैं फिल्म बना नहीं सकता क्योंकि आज खो खो में है, उतना पैसा डालने की हिम्मत नहीं है आज। तो आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि अच्छा भी कर रहा हूँ, मैं मेरे को मालूम नहीं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ तो मैं अपने ड्रीम स्टार्स के साथ क्यों नहीं करूँगा। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं और जिनको मैं मानता हूँ अच्छे एक्टर, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। सर, हम मिथुन जी के साथ ही काम के उनके बारे में कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका दोस्ती आपने मिथुन जी में मिथुन साइंस से जब आया था कलकत्ता से, और हम लोग पहले साइंस रहते थे, वहाँ से हमारी दोस्ती है। और मिठुन से दोस्ती आने में मिठुन जैसा आदमी नहीं देखा मैंने, बहुत अच्छा भला आदमी है, और उसने इलाका में मेरे को बहुत हेल्प की है। और मुलाकात साइंस में हुई थी हमारी, या हम साइंस से जानते हैं, लेकिन ये फिल्म कंप्लीट भी उसकी वजह से हुई इलाका, और रिलीज भी उसकी वजह से ही हुई, वरना कुछ गेम बहुत हो गई थी फिल्म बनते बनते, प्रैक्टिकली मैं फंस गया था फिल्म बनाते बनाते, लेकिन मिठुन की हेल्प की वजह से मैं निकल गया उसमें से। तो आगे क्या नजर आएंगे मिथुन जी के साथ, कुछ प्रोजेक्ट उनके साथ कुछ काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे यार, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे करेंगे। मैंने मिठुन के साथ एक पिक्चर में काम भी किया, एक मार्शल करके फिल्म आई थी, उसमें एक्टिंग भी की मैंने। मिठुन का बेटा मीमो, जब पहली फिल्म उसकी चालू हुई थी तभी मेरे को ऑफर आया था, वो सेकंड विलन का था, तो मैं बोला मिठुन का बेटा है तो मैं करूँगा, क्योंकि वो मिठुन की वजह से मैं लाइन में आया हूँ, मिठुन का बेटा फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं ये फिल्म करूँगा। मैं की भी हो वो कुछ 70-80% बन गई, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम थे तो पिक्चर बंद हो गई। सर, एज एक्टर आपके पास कोई भी स्टोरी आता है तो आप किस तरह से हाँ कहते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से फिल्म को हाँ करते हैं, इसके लिए बताएं? पढ़ना नहीं होता, मेरे को करेक्टर समझ में आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, ऐसे लगे कि कुछ करने को है तो मैं कर लेता हूँ। देखिए, स्क्रिप्ट पढ़ना, स्टोरी लाइन पढ़ो सही है कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ हम में से कोई भी खुदा है जो जानता है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है या बुरी है, या ये फिल्म अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी। अगर ये होता तो हर किसी की फिल्में सुपरहिट होती, या दूसरी फिल्म को लगने को चांस ही नहीं मिलता क्योंकि पहली वाली फिल्म उतरती नहीं, या तो यहाँ तो एक दिन में भी उतर जाती है। बड़े बड़े जो स्टार है उनकी फिल्म एक शो में दिखाई देती है कि भाई क्या हाल है, तो उनकी समझ कहाँ गई थी। तो ये अपने को अपना करेक्टर समझ आना चाहिए, वो कर लो प्यार से। सर, बॉलीवुड में हर एक्टर को उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, कभी आपको ऐसा उतार चढ़ाव देखने मिला जिसमें बॉलीवुड के किसी एक्टर ने आपकी हेल्प की या किसी मदद की? जैसे मिथुन जी के साथ आपका फीलिंग अच्छा है तो कभी उनके मतलब ऐसा आपकी हेल्प की किसी ने? देखिए, एक चीज बोलूँ मैं, या मैं आया हूँ मिथुन की वजह से फिल्म लाइन में, और वहाँ से चला हूँ मैं, अच्छी तरह चला, बीच में गिरा भी अच्छी तरह, या लेकिन मैं नहीं मांगता, मैं किसी के पास कुछ मांगने जाऊं, या ये मेरी आदत नहीं है। और कोई मेरे लिए क्यों करेगा, मैं ये भी समझता हूँ, या कोई स्टार है अगर मैं उसके पास जाऊं कि भाई मेरे पे चक्कर है क्योंकि मेरी आदत ख़राब है, वो क्यों करेगा मेरे लिए? तो मांगना भी गुनाह है और अपना मुंह को बिगाड़ना भी गुनाह है, तो मांगना तो दूर रह गया। या सलमान खान जिसके साथ मैंने वांटेड की थी, मैं उनके पास गया था एक बार, यानी एक्टिंग के लिए कि मेरे को कोई अच्छे अच्छे रोल होए मेरे को करवा देना, क्योंकि मेरे को शौक है। और श्योर सलमान के साथ मेरा अच्छा है पहले से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि रईस में नजर आ रहा है, तो आपको लगता है इस फिल्म से आपको कुछ मतलब कुछ प्रोसेस मिलेगा, आगे ड्रीम रोल मिल गया, जिस तरह से बहुत सारे को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है? या हर फिल्म से आपको बेनिफिट तो मिलता ही है, या और जहाँ स्टार के साथ आप कर रहे हो फिल्म तो आप नज़र भी आओगे। एक छोटी फिल्म मैं करता हूँ उसमें समझो 10 लाख लोग देखते हैं, स्टार के साथ करो तो 10 करोड़ लोग देखते हैं, फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना। और उसमें अगर आपने अच्छा काम कर दिया
या आपका कैरेक्टर अच्छा हुआ तो आपको बेनिफिट मिलना ही। और मैं किसी की बुराई या भलाई नहीं करता हूँ, लेकिन हर एक्टर जो स्टार बना है, एक फिल्म से ही बना है स्टार, या एक फिल्म आपको कौन सी मिलती है जिससे आप घंटी बजाते हो, वही देखना है बस। आखिरी सवाल सर, अपने फैंस को क्या कहना चाहिए? खुश रहो, और क्या कहेंगे, बस देखते रहो फिल्में।